नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। पल्लवी पटेल की गिरफ्तारी के बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने बड़ा खुलासा किया है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल को शाम्बी के स्थापना दिवस पर जनता से मिलने जा रही थी, तभी उन्हें प्रशासन द्वारा नजरबंद कर लिया गया। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार की आलोचना की थी, जिस पर अब सपा विधायक की प्रतिक्रिया आई है। पल्लवी पटेल ने कहा, कौशाम्बी उत्सव है और स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए फख्र की बात है। जब मेरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री आ रहे हैं तो इस उत्सव में मैं भी शामिल हो सकती हूं। लेकिन जब मैं घर से निकलने वाली थी तभी मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है। मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी अनुमति नहीं है, जबकि मैंने 2 दिन पहले ही इसकी सूचना दे रखी थी कि मैं कार्यक्रम में शामिल होने वाली हूं। सपा विधायक ने कहा, अगर निमंत्रण दिया गया है तो उसके लिए कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देना भी प्रशासन की का ही काम होता है। जनप्रतिनिधि वहां खड़ा होकर मुख्यमंत्री और गृहमंत्री का स्वागत करेंगे। मैं स्थानीय हूँ, ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरे जनपद को बने हुए 25 साल हो रहे हैं और उस महोत्सव को मनाया जा रहा है, तो लोगों के साथ इस पल को मैं भी जीना चाहती हूँ। पहले तो मुझे निमंत्रण पत्र भी नहीं दिया गया था, लेकिन जब मेरे आपत्ति उन तक पहुंची तो मुझे निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण पत्र भेजने के बाद मेरे ऊपर लगातार ये प्रेशर बनाया गया कि आप उस कार्यक्रम में नहीं जाएं। बारी बारी से प्रशासनिक अधिकारियों ने फ़ोन किया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसका साक्ष्य भी प्रस्तुत करूँगी। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा और हम लोगों को नौकरियाँ चली जाएगी। हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है। अब देखना पड़ेगा कि इनको लेकर हमलावर तो हो रहे हैं, आगे क्या कुछ होता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।